करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले टीवी शो सीआईडी हर किसी की सुनहरी यादों में जिंदा है। इस शो के लोग ऐसे दीवाने थे कि इसे देखे बिना उनका दिन नहीं पूरा होता था। पूरा दिन रिपीट एपिसोड्स को लोग देखा करते थे। ये शो और इसके एक्टर लोगों की फैमिली का हिस्सा बन गए थे। ये शो भारत का सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला शो बना और ये 1998 से शुरू होकर 2018 तक चला। 20 सालों तक लगातार इस शो को लोगों का प्यार मिलता रहा। आज अचानक फिर से एक बार ये शो चर्चा में आ गया है और इसकी वजह है सीआईडी का सबसे हैंडसम इंस्पेक्टर, जिसके लोग दीवाने हुआ करते थे। 5 साल बाद अचानक विवेक मशरू के बारे में जो पता चला है उसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं। दरअसल एक शख्स ने विवेक की तस्वीर के साथ ट्वीट किया, इफ यू नो हिम योर चाइल्डहुड वॉज ऑसम। सोशल मीडिया की ताकत देखे, ये ट्वीट इतना वायरल हो गया कि सीधा विवेक तक जा पहुंचा। इसके बाद विवेक ने जो लिखा उसने लोगों का दिल जीत लिया। विवेक ने इस ट्वीट पर रिप्लाई किया, मैंने जो कुछ भी छोटा मोटा किया उसके लिए आपकी दयालुता, प्यार और सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इसकी बहुत सराहना की जाती है। अनंत कृतज्ञता और हमेशा प्यार। विवेक के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और एक प्रोफाइल के जरिए पता चला कि विवेक ने एक्टिंग छोड़ दी है और अब वो बहुत बड़े प्रोफेसर बन गए हैं। वो बेंगलुरु की CMR यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि विवेक के पास इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स की डिग्री भी है। उन्होंने बिजनेस एनालिटिक्स की डिग्री ऑस्टन में टेक्सास यूनिवर्सिटी से की है। विवेक की इन तस्वीरों को देखकर लोग हैरत में पड़ गए हैं। इतना पढ़ लिख लेने के बाद विवेक ने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। वो सबसे पहले टीवी सीरियल मॉर्निंग रागा में नजर आए। इसके बाद उन्होंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो में काम किया। इस दौरान उन्होंने एक फिल्म फाइट क्लब में भी काम किया और आखिरी में वो सीआईडी पहुंचे और इसे करने के बाद उन्होंने एक्टिंग से संन्यास ले लिया। 39 साल की उम्र में आज विवेक एक प्रोफेसर बन चुके हैं। विवेक को यूं अचानक इस नए किरदार में देखना लोगों को हैरान कर गया है। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।